ब्रह्मा बाबा कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है, क्रिश्चियंस से मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस कुत्तों को पालने के बड़े प्रेमी होते हैं, उन्होंने विश्व किशोर को स्पेशल पालना दी। यज्ञ के आदमी इसी बात का झगड़ा हुआ था, तो गौतम ऋषि भी है, गौतम ऋषि की पत्नी भी है। विश्व किशोर तो ब्रह्मा बाबा का बच्चा हुआ, प्रकाशमणि दादी बच्ची हुई, फिर जगदम्बा की बात कहां से पैदा हो गई? ये जगदम्बा का टाइटल क्या साबित करता है? अरे इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ क्या संबंध जोड़ा जो जगदम्बा का टाइटल लेके बैठ गई? अरे है? हाँ बस यही पाप हो गया। छोटी माँ गीता कैसे, अगर वो बंधन में है और सच्ची गीता कैसे है? गीता है ना, हाँ छोटी माँ झूठी है सच्ची? अभी सारी दुनिया झूठी है या सच्ची है? सारी दुनिया, अभी दुनिया में एक भी पावन नहीं और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं, तो सारी दुनिया क्या है? झूठी। तो झूठी दुनिया है तो इसमें कोई एक चैतन्य आत्मा झूठी दुनिया के अंदर सच्ची गीता हो सकती है? अभी तो है झूठी गीता चारों ओर। अरे ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में जब तक ना बैठे तब तक कैसी गीता है? झूठी गीता है। झूठी गीता को ही शिव बाप सच्ची गीता बनाने आया हुआ है। यज्ञ के आदमी भी गीता के अर्थ बैठ सुनाते थे, जो आदमी सो अंत में भी ऐसा होगा। लेकिन बात कहते हैं कि दो सीता है, एक रावण उठा के ले जाता है, एक ज्योतिष में निवास करती है, तो छोटी में तो वो वाली सीता। अभी तो अभी अभी समझाया, बुद्धि में नहीं बैठा। अभी तो बताया योगाग्नि में निवास तब करे जब योग का अर्थ समझे, बाप की पहचान हो। जब बाप की पहचान ही नहीं हुई है तो योग काएगा? इसको याद करती है ज्योति बिंदु को याद करती, ब्रह्मा बाबा को याद करती। अब ब्रह्मा बाबा गीता का भगवान समझ के याद करती तो फिर झूठी की है? उनको उनसे प्यार भी बहुत है, आपने और उनको बहुत कुछ बता दिया। अरे तुम्हें अपने बाप से प्यार नहीं है? तुम्हें ईर्ष्या आती है अपने बाप से? अरे सभी कन्याओं को अपने बाप से प्यार होता है, ये कोई खराब बात है क्या? नाम बाला किया कन्या वो जो अपने माँ बाप का नाम बाला करे, पांडवी का नाम बाला करे, ये तो अच्छी बात है। और योगिनी माँ, हाँ तो अष्टदेव वाले ग्राम वाले जैसे भाई बन गए हैं, जैसे भाई हाँ कैसे हो? कैसे मुस्लिम बन गए ना तो सूरज की माँ बन गई। हाँ तो बाबा ने बोला ना जैसे अष्टदेव ग्राम वाले अपने भाई हैं, अष्टदेव जो है ना जो आपस में भाई है ना, हाँ सूर्य अभी तो माता दूसरे बन गए ना, तो अभी अभी सूर्य और सूर्य के आठों बच्चे प्रकट हो गए। प्रकट हो गए?
सभा, कैसी श्रवण कीर्ति है उसकी, विमाने विपरीत, जिसकी कीर्ति विपरीत हो गई, ऐसा कुल पैदा हो गया उससे। तो रावण का भी बाप दे अभिमान, आया ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा बाबा की जो कीर्ति है वो एडवांस पार्टी आने के बाद कीर्ति घट गई या बढ़ गई? है घट गई। तो रावण का बाप कौन हुआ? विश्रम। विमाने विपरीत, सर्वा माने श्रवण कीर्ति। शास्त्रों में जो भी बातें हैं कहां की यादगार है? यहां संगमित की यादगार। आदि सत्यक्षिम सुंदर अहंकार क्या होता है? सत्य माने सत्य, जो सत्य है वही सुंदर है। चेहरा सुंदर दिखाई पड़ रहा है और झूठ ही झूठ अंदर भरा हुआ है, तो दुखदाई होगा कि सुखदाई होगा? दुखदाई हो जाएगा। वो सत्य नहीं है, वो झूठ है। सत्य को भगवान कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ। दूसरा भगवान नहीं हो सकता। जिसमें सच्चाई भरी हुई है जितनी, उतना ही भगवान का अंश है उसमें, भगवान के नजदीक है। चेहरे सुंदर है लेकिन अंदर से कूट कूट के झूठापन भरा हुआ है, छल छिद्र कपट भरा हुआ है, वो भगवान के नजदीक नहीं हो सकता। उसे सुंदर हम नहीं कहेंगे, वो तो भौंडा है, भले चेहरा सुंदर है। दूर ही रहना चाहिए। अगर चेहरे के आधार पर आकर्षित हो गए तो धोखा मिलेगा या प्रीति मिलेगी? धोखा मिलेगा। और कल्याणकारी तो हो ही नहीं सकता जो सत्य नहीं है। सत्य है वो वही सत्य है जो कल्याणकारी है। गाय जा रही है, कसाई पीछे से आ रहा है गरसा लेकर के, कोई रास्ते में पड़ गया, गाय किधर गई? उसने कह दिया इधर चली गई। गई तो वो सीधी थी। तो ये झूठ है या सत्य है? झूठ है लेकिन भलाई के लिए बोलते हैं। हाँ झूठ है, नहीं सत्य है। हाँ कल्याण किया, अपना भी कल्याण किया, दूसरे का भी कल्याण किया, तो वो झूठा नहीं है। जैसे माताएं हैं बांधेलियां हैं, उनको वरदान मिला हुआ है, तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, उनको विश्वास बैठ गया, हमारा पूरा परिवार ईश्वर का बनेगा। अब वो झूठी बात बोल करके ईश्वरीय ज्ञान में चल रही है, तो झूठ है या कल्याणकारी है, सुंदर है या नहीं है? सत्य और झूठ की व्याख्या करने के लिए दो पार्टियां होती हैं, जज के यहां जाती है कोर्ट में, कौन झूठा है कौन सच्चा है, यही तो फैसला होता है। तो क्या सब कोई जानता है झूठा क्या है सच्चा क्या है? झूठ और सत्य की पहचान सबको नहीं होती है,
इसलिए हजारों हजार रुपए दे करके वो जज बना के बैठाए जाते हैं। बाबा जैसे रुद्रमाला की पहला जो मटका है उसमें ब्रह्मा बाबा की मतलब सज्जन नारायण की आत्मा प्रवेश होती है, तो उसके दूसरा जो मटका है अष्टदेव का दूसरी उसमें क्या दूसरा आधार मुहूर्त तो प्रवेश का होगा? अष्टदेव हैं, देवताएं आस्तिक होते हैं या नास्तिक होते हैं? देवताएं आस्थावान होते हैं या अविश्वासी आस्थावान होते हैं? तो जो आस्थावान धर्म है वो आठ है, उन आठ धर्मों के पूर्वज सबसे पूर्व की पहली पीढ़ी वो पूर्वज वही अष्टदेव है। वो अष्टदेव अंतिम जन्म में माया से पछाड़ खाते हैं नंबर वार या नहीं खाते हैं? नंबर वार पछाड़ खाते हैं, और जब पछाड़ खाते हैं हारते हैं, क्योंकि माया किसी को छोड़ती नहीं। इतना अहंकार कोई भी ना करे कि हम कभी भी माया के चंपे में नहीं आते। तो जो दूसरा मणका है वो भी माया के चंपे में आया आता है या नहीं आता है? जरूर आता है। तो जो जिस धर्म का पूर्वज होगा उसी में जाके गिरेगा अंतिम जन्म। पहला जो मणका है, पहला अष्टदेव, वो तो सूर्यवंशियों का बीज हो गया, तो दूसरा कौन से वंश का बीज होगा? चंद्रवंश का बीज होगा। अब चंद्रवंश का जो बीज है उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा कौन सी हो सकती है? सूर्यवंशी जो आत्मा है, राम वाली आत्मा, उसमें तो कृष्ण की आत्मा प्रवेश करती है। कृष्ण की आत्मा चंद्रवंशियों का क्या है? हेड है या नहीं? तो ऐसे ही जो दूसरा मणका है अनुसुईया जिसे कहा, उसमें भी कमजोर आत्मा प्रवेश करेगी या पावरफुल आत्मा प्रवेश करेगी? पावरफुल आत्मा प्रवेश करेगी। हाँ, वर्तमान के हिसाब से पावरफुल होगी, लेकिन जो लास्ट रिजल्ट निकलेगा, जैसे लास्ट रिजल्ट में शंकर वाली आत्मा हाई जंप लगा करके बैल पर सवार हो जाती है, ऐसे ही अनुसुईया वाली आत्मा लास्ट में हाई जंप लगाती है, और जो चंद्रवंशी की मुखिया है उसको कंट्रोल में कर लेती है। आज में भी कंट्रोल किया था,
क्या बोला आपने तवाणी में? दीदी दादियों का भी श्रृंगार किसने किया था? तुम बच्चों ने दीदी दादियों का भी श्रृंगार किया अष्टदेवों के लिए बोला। तो सबसे बड़ी दादी को परदादी कौन हुई? माताओं की माता कौन हुई? अरे जगदम्बा, जगदम्बा चंद्रवंशियों की भी प्रैक्टिकल में हेड हो गई। वो पावरफुल पड़ जाती है संघ में। जैसे बाबा फर्स्ट नारायण सेकंड नारायण का आत्मा ना है ब्रह्मा, वो प्रवेश है। तो सेकंड नंबर की जो अष्टदेव है ना, उसमें सेकंड नंबर की जो थर्ड नंबर की जो वो प्रवेश होगा क्या? थर्ड नंबर का क्यों होगा? सेकंड में सेकंड नंबर का होना चाहिए, थर्ड नंबर का होना चाहिए? सेकंड नंबर तो चंद्रवंशी है। वो तो फर्स्ट नंबर में प्रवेश है ना? क्या मतलब? वो तो बाप में प्रवेश है ना ब्रह्मा बाबा? ब्रह्मा बाबा जो है वो सत्युग का पहला प्रिंस बनता है ना। सत्युग में भी तो वो सूर्यवंशी है पहले। दूसरा जो आएगा नारायण वो इस्लाम वंश में कन्वर्ट होगा। लेकिन संगम युग में तो दो में मिलकर के एक परिवार बनता है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। जैसे आठ अष्टदेव आठ आधार मुहूर्त हो गए ना, आठ नारायण आठ गंदी से। तो मेरे कहने का मतलब वो जो आधार मुहूर्त है वो अष्टदेव के अंदर सारे मतलब नंबर पर प्रवेश हो गए। मतलब तुम्हारा ये है कि सेकंड अष्टदेव में रुको, सेकंड अष्टदेव में इस्लाम धर्म वाला नारायण प्रवेश करेगा? मतलब जैसे आठ दबी चल रही है वो नहीं करेगा? अब लोता ब्रह्मा जी जो मधुला आत्माएं हैं उनमें से प्रवेश करना चाहिए ना। हाँ जी, दूसरा नंबर जो ब्रह्मा के बाद वाली मनका होगी वो प्रवेश करेगी, क्योंकि तो अष्टदेवी तो अपने बच्चों को जन्म देंगे। हाँ जी, हाँ जी। ब्रह्मा की जो ब्रह्मा के बाद वाला नंबर जो चंद्रवंशियों का वो प्रवेश करेगा। ये अभी मुरली में अर्थ कहा था बाप ने भी ये पुराना बुक लिया है, अब तुम बच्चे भी पुराना बुक खरीद करके देखो। बाप ने भी ये पुराना बुक लिया है, प्रारंभ तो किया पुराना बुक। अच्छा अच्छा, पुराना बूट लिया है। हाँ अभी अभी आज ही तो आया, आज ही तो वाणी में आया। ब्रह्मा बाबा लांग बूट है या ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा उम्र वाला कोई और लांग बूट है? प्रजापिता लाभ बूट है, खरीद के देखो है पैसा इतना। और बाबा यदि आदि में सृष्टि का सूर्यास्त होता है तो सारी बीज जो है चैतन्य बीज वो उसी धन्यवाद में चली जाती है। जो भी चैतन्य बीज है सृष्टि के वो सूर्यास्त के समय तीन धन्यवाद में होती है। जो नौ लाख आत्माएं जो होती है इनको आदि में ज्ञान मिला है सारा, लेकिन उस समय बाबा राम बाप की आत्मा पश्चिम बंगाल में होती है जो मनुसृष्टि का बीज है। हाँ। तो बाबा मनुसृष्टि के बीज के साथ कितनी आत्माएं थी? आठ थी, अष्टदेव साथ थे या 108 थी या सुवंशी का 12 ग्रुप साथ था? क्योंकि सारी बीज नौ लाख आत्माएं तो बस धन्यवाद में थी। एकदम सृष्टि के आदि में जो परिवार बनेगा सूर्यवंशियों का, जब माला बनेगी तो कितनों की माला बनेगी? आठ परिवार, आठ के अष्टदेव होंगे ना परिवार? अष्टदेव संपन्न बनते हैं, जो अष्टदेव संपन्न बनते हैं वो एक इकाई तैयार होती है पारिवारिक। लेकिन जब विनाश होता है सृष्टि का, नई सृष्टि उदय होने वाली होती है, तब सूर्यवंशियों के ग्रुप में कितने होंगे? है
माला के अंदर बारह के बारह ही होंगे, मतलब पश्चिम बंगाल में बारह आत्माएं आपके साथ नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगी। एडवांस शुरू होता है तो एडवांस में सबसे पहले साथी कितने बनते हैं? चार भाई, राम के चार। हाँ, वो ही भगवान के पैरोटी के बच्चे हो गए। जो कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, कहाँ की बात, संगम की बात। बारह के अलावा जितने सारे बच गए वो सारे सिंधनवाद में ही थे? सोलह बारह के अलावा जो भी बच गई आत्माएं, बीस रूप आत्माएं जो हो गई वो सारी सिंधनवाद में थी क्या दिन? हाँ जी। और बाबा पक्के पक्के सूर्यवंशी भी बोलते हैं, और फिर वे विजयसी भी होते हैं। आखिरी जन्म में जाके माया खाती है, त्रासी जन्म में थोड़ा ही खाती है। जन्म में तो जो मतलब पहला है उसके उसको भी माया बिखरती है, पहले को खाती नहीं है लेकिन हिलाई देती है, इसलिए भक्ति मार्ग में गीत भी बनाए हुए हैं। माया नजरिया मारी गई है, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई है। क्यों कि एकदम जब सृष्टि का आदि होगा तो पहला पहला विष्णु कौन होगा? संगमुख लक्ष्मी नारायण पहला पहला विष्णु हुआ। एकदम सृष्टि के आदि में जो विष्णु है तो एकदम सृष्टि का जब अंत होगा, संगम शुरू होता है, तो वो दोनों आत्माएं किस रूप में होनी चाहिए? एक दूसरे से लड़ाई लड़ने वाली होनी चाहिए पति पत्नी के रूप में, या एक दूसरे की सहयोगी होनी चाहिए? सहयोगी। इसलिए शास्त्र में लिखा है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, अभी मेरा अर्थ उनहत्तर में ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। अंतिम जन्म में बताया हुआ कि देव बाप का साथ छोड़ देते हैं, चौरासवे जन्म में जो यज्ञ में बाप, बयालीस में बाबा ऐसी बातें हुई जो बाप अकेला रह गया और सारे रास्ते छोड़ दिए बाप, ठीक है। बाबा 42 के बाद से और आज तक जो अष्टदेव प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं या जो दूसरी बंदा प्रत्यक्ष हुई है तो उसमें उनका चौरासवा जन्म कहा जाए, क्योंकि जब बाप पे होगा प्रत्यक्षता होगी तब उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी जन्म कहा जाए, ठीक है। जब उनके अपने पार्ट की प्रत्यक्षता होने लगी, उनको अपने पार्ट की अनुभूति होने लगे, जैसे राम वाली आत्मा को अपने पार्ट की प्रत्यक्षता होती है पहले पहले, ऐसे ही अष्टदेवों को भी अपने पार्ट की अनुभूति होने लगे। तो प्रत्यक्षता से पहले और 42 के बाद अभी उनका चौरासवा जन्म कहेंगे उनका? 42 में तो ज्ञान ही नहीं था ना, बाप का साथ तो छोड़ दिया ना। हाँ, वहाँ तो वो ज्ञान छोड़ दिया और बाप ने भी ब्रह्मा को छोड़ दिया, उसमें चौरासवा जन्म तो उसमें से स्टार्ट उनका, बाप भी तो फेल हो गया। जो भी अष्टदेव है चौरासवा जन्म उसमें से उनका स्टार्ट हुआ, अंत में बाप का साथ छोड़ते हैं और इस समय तक भी चौरासवा जन्म का चल रहा है। ये तो शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। और आदि में तो विष्णु छोटी माता है, आदि में बताया कि विष्णु की आत्मा छोटी माता थी। विष्णु एक से बनता है या दो से? युगन जोड़ा था तो विष्णु, युगन जोड़े को विष्णु कहा जाता, उससे उस समय ब्रह्मा का जन्म हुआ था है? तो 68-69 में कौन से विष्णु? 68-69 में वो आत्मा जन्म नहीं ले गई जो संगमुखी लक्ष्मी नारायण बनने वाली है? वो नारायण तो है नहीं है बाबा, क्या कहते? नारायण नहीं है, नारायण 76 में प्रत्यक्ष हुआ, नारायणी भी 76 में प्रत्यक्ष हुई, लेकिन प्रत्यक्षता रूपी बच्चा पहले जन्म लेता है या पहले गर्भ में प्रवेशता होती है?
तो प्रवेशता हो गई नारायण तो पोते नहीं ब्रह्मा के सामने दादा ने कर के सामने तो पोते नहीं ना बाप नारायण वाली आत्मा ब्रह्मा बाबा कब नहीं थे और कब नहीं है साकार में नहीं थे ना उनके बाद साकार में उनके लिए होता है जिनकी आकारी आंखें बंद होती है ब्रह्मा बाबा के लिए थोड़ी कहेंगे ब्रह्मा बाबा की आंखें तो अभी भी है हम बच्चों को देख रही है और बाबा अष्टदम में सबसे पहला जो मंत्र है वो सूर्य या बृहस्पति के नाम से है जो अष्टदेव का पहला मंत्र है ना उन्हें सूर्य या बृहस्पति कहा जाता है सूर्य नहीं सूर्य तो शिव है वो बृहस्पति है बृहस्पति बृहस्पति माने दुनिया में जितने भी पति हैं उन पतियों के बीच में सबसे बृहस्पति बड़ा दूसरा जो मन का है हाँ। वो किस नाम से जाना जाएगा बता तो दिया काशी नगरी वो ग्रह में नहीं हुआ ना है ग्रह में नहीं हुआ ना वो ग्रह तो तब बनते हैं जब बच्चे भी हो पत्नी भी हो पूरा परिवार हो तब ग्रह ग्रह ग्रहस्त बनता एक आत्मा से कैसे बन जाएगा और सूर्यवंशी की माँ हो गई तो उनके परिवार तो उनके साथ होगी ना है सूर्यवंशी की माँ हो गई तो बाप भी है उनके परिवार तो साथ में है ना तो परिवार है तो प्रत्यक्ष कहाँ है तो बाद में हो जाएगा तो मान लेंगे गांधी काशी नगरी है बाद में जाके ग्रह का नाम चेंज हो जाएगा है बाद में नाम चेंज हो जाएगा क्या किसका काशी नगरी मतलब ग्रह अभी ग्रह नहीं है एक एक आत्मा के पार्ट जो बजे हैं उनके अनेक अनेक नाम हैं शास्त्रों जैसे ब्रह्मा बाबा का नाम इंद्र भी है ब्रह्मा बाबा का नाम चंद्र भी है ब्रह्मा ब्रह्मदेव भी है नाम तो अलग अलग है ना जो अष्टदेव है रुद्र वाला के चार और विजय वाला के चार आगे तो उनके जोड़ी बनेंगे तो बाबा ने कैसे बोला कि चारों का जोड़ी मतलब एक में मर्ज हो जाएंगे चारों में तो संस्कार मर्ज हो जाएगा मतलब संस्कार एक दूसरे के मिलकर एक हो जाएंगे तो मतलब दोनों मिलके एक ही संस्कार बनेगा ना तो चार हो गए ना है चार हो गए ना आठ कहाँ हो गए क्या संस्कार एक दोनों मतलब तो एक मानेंगे ना भाव सभा संस्कार से एक ही मन का माना जाता है ना विजय माला का विजय माला में 108 दाने हैं है कि नहीं लेकिन ऊपर का दाना युगल दाना है तो सारे दाने युगल दाने हैं या समझे जाते हैं युगल दाने समझे जाते हैं एक शिवालय रह जाएगा बाकी जो मंदिर मस्जिद जो भी बना वो सारे टूट जाएंगे ठीक है तो वो गीता पाठ करने के लिए बोला कि ये छोटे छोटे जो मिनी मधुबन है ये जो भी मिनी मधुबन है या जो भी गीता पाठशालाएं हैं उनको चलाने वाले एक संस्कार के हैं यह संस्कार भिन्न भिन्न है अलग अलग संस्कार के हैं अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं अलग अलग उनकी धारणा है एक जैसी धारणा तो किसी की हो ही नहीं सकती इसलिए जो धारणाओं में सूर्यवंशियों के किसी भी तरीके से विपरीत जाते हैं उन्हें टूटना पड़ेगा क्यों क्योंकि जब विनाश होता है तो
ज्योतिषियों की भी मान्यता है कि नौ ग्रह आपस में टकराते हैं, उन नौ ग्रहों में सबसे ज्यादा बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो उससे टकराने से क्या रिजल्ट आएगा? उसका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उसमें तो मुकर्रर रूप से छत्र छाया के रूप में सुप्रीम सोल प्रवेश है। बाकी दूसरे टकरा टकरा के छीण हो जाएंगे, खलास हो जाएंगे। उनकी जो धरणियां हैं, धर्मखंड हैं, वो भी समुद्र के गर्त में समा जाएंगे, धर्म ही खलास हो जाएगा। जो झूठी धारणाओं पर वो डटे हुए हैं, वो धारणाएं सब खलास हो जाएंगी। राज्य भी खलास हो जाएंगे, उनकी मतें भी नहीं रहेंगी, कुल के कुल खत्म हो जाएंगे। सच आता है, क्या करना चाहिए? सच ही है। सच के लिए क्या करना चाहिए? पहचानना है मुरली से प्यार, माना मुरलीधर से प्यार। मुरलीधर कोई दूसरा थोड़े ही है, वो तो बिंदी है। वो बिंदी जो निराकार है वो हमको क्या देती है साकार में? मुरली ही तो देती है। जो जो मुरली है, जो वेदवाणी कही जाती है, ब्रह्मा के मुंह से वेद निकले, वो ही सत्य है। उसी सत्य को फॉलो करो। देवता में भी कहते हैं भक्तिमान है, भगवान श्री शंकर बोले देव माँ दे, भक्तिमान में भी कहते देव देव माँ दे, उनसे शंकर भगवान भी होता। शंकर भगवान होता भी है देवता में, भक्तिमान में बता देने। देव देव महादेव का मतलब है ब्रह्मा देव, फिर उससे ऊपर विष्णु देव, फिर उससे ऊपर महादेव, और तीनों भगवान नहीं है, तीनों देव ही हैं। क्या बोल रहे थे? मैं ही बोल रही हूँ, जैसे कोई गलत व्यवहार या कुछ ऐसे वो करते हैं ना बाबा, तो हम भला उसको कुछ बोलते नहीं है, उसके लिए बुरा सोचते भी नहीं है, लेकिन अपने आप को बड़ा महसूस होता है, अपने आप को तकलीफ होता है, उससे कैसे बचे? समझ लेना चाहिए कि कोई ने हमको दुख दिया, दुख देने वाली बात की है, तो हमारा किया हुआ ही रिटर्न हुआ है, या उसने कुछ अलग से नया कर दिया? हमारा किया हुआ हमको रिटर्न कर दिया। ज्ञान तो बहुत करते हैं, फिर बहुत देर बाद वो कंट्रोल में आता है। तो समय पर ज्ञान काम नहीं आया तो ज्ञान किस काम का? बंदूक तो है हमारे पास, शेर ने हमके हमारे ऊपर हमला कर दिया, अब उस समय न हमें बंदूक की याद आई और न बंदूक में डालने वाली गोली की याद आई, तो बेकार हो गया ना। इसका मतलब छेद है गड़े में, घड़ा कौन सा है? बुद्ध रूपी घड़ा है, इसमें छेद हो जाता है तो टिकता ही नहीं। समय पर बात काम ना आई, चीज काम ना आई, तो उसका फायदा ही क्या?
ब्रह्मा की आयु को प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे ना, ब्रह्मा की आयु को प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे ना, ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु, वो तो जरूर इसी समय होगी, प्रजापिता ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाएगी। प्रजापिता ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाएगी, लंका की वाणी है प्रातः क्लास। हाँ तो खत्म नहीं हुई, प्रजापिता ब्रह्मा की आयु खत्म हुई या नहीं हुई? अरे इसका मतलब तुम ये समझे बैठे कि प्रजापिता ब्रह्मा की आयु चल रही है, चल रही है या खत्म हो गई? खत्म हो गई। कब? 76 में खत्म हो गई, 7 साल की एज में सन 36 में प्रवेश हुआ, 40 साल ऐड हो गए, 100 साल की आयु ब्रह्मा खत्म, ब्रह्मा की आयु सो प्रजापिता ब्रह्मा की आयु। और बाबा गीता पाठशालाओं में संगठन क्लास कर सकते हैं जी? गीता पाठशालाओं में ही संगठन क्लास करना है सबकी सम्मति से। पहले करते थे, बंद कर रखी वो। क्यों? पूछो उनसे क्यों बंद कर दिया है। पहले बातें भी डर करते थे और पहले करते थे, यूनिटी बनती थी अर्थात संगठन बनता था, अभी नहीं करते हैं, प्योरिटी नहीं बनती है। इसका मतलब प्योरिटी प्योरिटी हीन हो गई, फिर से करना शुरू कर देना चाहिए। माया खा गई, माया क्या खा गई? यूनिटी को माया यूनिटी को खा जाती है, माना प्योरिटी को खा जाती है। माया रावण कौन? मुरली में पूछा, रावण कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग, गीता पाठशालाओं में भी गुरु बन के बैठते हैं गड्डाल। अरे क्रोध आता है तो लौकिक में क्या खाना चाहिए? क्रोध कंट्रोल नहीं होता है तो लौकिक में ऐसी चीज क्या खाना चाहिए जिससे क्रोध हमेशा कंट्रोल हो जाए? बाबा ने संकल्प बता दिया, कौन से संकल्प का भोजन करना चाहिए? स्थूल में, स्थूल में शरीर के लिए। अरे अभी तो मुरली में बताया, बाबा सब बाबा और बाबा के बेहद के बच्चे बेहद की बातें करते हैं, तुम ये हद की बातें कहां से ले आए? खाना पीना दामा बाबा ने तो बता दिया तुमको, बाबा ने बता दिया कौन सा संकल्प का भोजन करना चाहिए। जब क्रोध आए तो अपन को चांडाल का जन्म समझना चाहिए, क्रोध नहीं आया हमारा कौन सा जन्म हुआ? चांडाल का जन्म हुआ, शूटिंग हो गई। जितनी बार क्रोध आएगी उतनी बार चांडाल का जन्म मिलने वाला। बच्चे इतनी शिकायतें करते हैं उनसे तो क्रोध करना पड़ता है ना। बाबा ने कहा मना किया कि जो बच्चे जो होते हैं और उन पर माँ बाप, बच्चे पर माँ बाप क्रोध करते हैं तो वो दिखावे का क्रोध होता है या असली क्रोध होता है? तो दिखावे का क्रोध होता है। बच्चे उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं कि बाबा ने माना किया क्रोध करने के लिए, फिर भी आप कर रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन अगर क्रोध नहीं करेंगे और तुम उल्टा ही काम करेंगे तो घाटा किसका होगा? बाबा कंकर के गले में सांप क्यों बताया हुआ है? अरे तुमने किसी मीठी बात वो भी पूछ ली, गले में नहीं दिखाया है, कमर में भी दिखाया है, गले में भी दिखाया है, दाई और बाई बाजू में भी दिखाया है और सर के ऊपर भी दिखाया है।
कितने सांप हैं उनको जो दिखाए जाते हैं? 5 सांप हैं। उनमें भी शास्त्रों में जो प्रसिद्ध है वो है मोह सकल व्याघ्र कर मूला। ये मोह की फांस है, ये सर्प जो गले में है। और मोह किससे पैदा होता है? मोह पैदा होता है अपनी देह से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से। यही अगर नष्ट मोह हो जाए तो जग जीत लिया, बाकी तो काम विकार का सर्प भी है कमर में, क्रोध विकार का सर्प भी है भुजा में, लोभ विकार का सर्प भी है बाईं भुजा में, मोह का तो गला बताई दिया, अहंकार का सर्प भी है जो सर के ऊपर दिखाया जाता है। अगर बाबा कोई ज्यादा ही अति करता हो उस पर क्रोध नहीं करे तो फिर क्या करे? कोई अगर ज्यादा ही अति करता हो अपने साथ, हाँ मार के पिटाई करने के लिए ऊपर आ जाए क्या करे? घर के पड़ोस में ही रह लिया और अपने घर के पड़ोस में ही है तो क्या करे? घर खाली करते हैं क्या? घर खाली क्या कर दे? उस समय क्रोध 24 घंटे थोड़े ही बना रहेगा। हर समय जिसको क्रोध आता है उसके ऊपर फूल चढ़ाते रहो, उसको बार बार फूल चढ़ाओगे तो खुश हो जाएगा। और मेरे ढाका के रखे मैंने पिछली बार ढाजेगा तो अगले ढाजेगा तो इस पर शर्मा घोषणे के लिए तुम बढ़ गई हो इसमें फंस गई। क्या बोला? ऐसे रिपीट करो है? क्या बोला? ये बोला ही जो अभी बोला वही रिपीट करो। यही तो बोला अभी, रिपीट करो जो बोला। हाँ यही तो बोला। क्या बोला? पत्थर मारे भी डाजे अगली पिछली है मारे गाड़ी दे संपर्क चाहिए इसमें मार कैसे बाबू बाबू माता ज्ञान भी करती है, अमृत वेला भी करती है उसकी है, लेकिन मन दुखी है तो वो माँ में चिंजय का मंत्र पढ़ती है। बाबा से योग नहीं लग रहा क्या करूँ? ज्ञान का नशा पूरा है। ज्ञान का नशा पूरा कहाँ से आ गया? यदि मुझे मैं शिव बाबा गई तो मंत्र मैं यही पढ़ती। शिव बाबा का मंत्र कोई जपने का है मुझसे? मन मन में जपती रहती है, वही कहती योग नहीं लगता, मन योग नहीं लगता। समझाओ कि शिव बाबा सूक्ष्म है तो उसकी याद भी सूक्ष्म होनी चाहिए, वाचा तो स्थूल है, वाचा कैसे पहुंचेगी? मन जो है वही इंद्रियों को चलाने वाला है। मन अति सूक्ष्म है, शिव आता है तो किसको कंट्रोल करता है? है कहता है मन बनाओ भव मेरे में मन लगा दे, मन को कंट्रोल करता है। अब मन कौन है? ब्रह्मा बाबा मन है, पूरा ही कंट्रोल में आ जाए तो सारी इंद्रियां कंट्रोल में हो जाती है। नहीं तो वो भगवान को कृष्ण कहा जाता है, वो भगवान का भैया है। कौन? कृष्ण का नैया, जिसे बलराम कहा जाता है, हलदर।
अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो हल चला चला के धरणी को चीरता ही रहेगा। विनाश ही कराता रहेगा। इसलिए वो मन कंट्रोल करना जरूरी है। बाबा ज्ञानी आत्मा तो स्पोर्ट के वगैरह करते हैं दुनिया में, उसका असर पड़ सकता है? विश्वास की बात है, किसी को विश्वास है पक्का कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमारे ऊपर कोई का असर नहीं हो सकता तो नहीं होगा। बच्चा पड़ गया तो असर होगा। विश्वासम फलदायकम, अपना अपना नशा है। बाबा कन्या एक बड़ी हो या छोटी, उनको सरेंडर करना अच्छा या फिर घर में ही रखना अच्छा? जो गृहस्थी हो और चाहे गृहस्थी न हो, गृहस्थी छोड़ करके आ गए बाप के घर में रह करके लौकिक संबंधियों को छोड़ के आ गए, ऐसे प्रैक्टिकल में सरेंडर हो, छोड़ के आ गए वो भी सरेंडर, और छोड़ के नहीं आए अपने घर गृहस्थ में रहते हैं लेकिन जैसे बाबा चलाते हैं वैसे ही चलते हैं तो वो भी सरेंडर, माने अपन को सरेंडर समझें। ऐसे सरेंडर होने वाले राजकुल में आवे। सोलह हजार 108 के परिवार में आवेंगे, राजा ही लेनी है तो सरेंडर होना पड़े। कोई जल्दी सरेंडर हो जाएंगे, कोई नाक रगड़ रगड़ के सरेंडर होंगे, सिर्फ दिखावे के लिए कागज पे सरेंडर हो जाएंगे, बाकी अंदर से सरेंडर नहीं होंगे। बाकी बाप का विरोध ये है किसी ईश्वरीय सेवा में सिर्फ जो सरेंडर होते हैं वो राजाई का वर्षा पाने के लिए सरेंडर होते हैं, बाकी सरेंडर नहीं है तो बड़े बड़े साहूकार बन सकते हैं। साहूकारों के पास भी तो बहुत धन संपत्ति होती है, वो बड़े बड़े साहूकार भी तो राजाओं के साथ गद्दी नशीन होते हैं, कुर्सी डाल के बैठते हैं राजसभा में, ऐसे भी तो साहूकार हुए हैं जिन्होंने राजाओं को इतनी धन संपत्ति दी जिसके आधार पर उन्होंने राजाई चलाई। जैसे भामाशाह ने इतनी धन संपत्ति राणा प्रताप को दे दी कि वो वर्षों तक राजा चलाता रहा। जैसे बाबा बोलते हैं कि सतयुग का जो आखिरी नारायण है वो लोन लेकर के अपनी राजाई चलाता है। राम वाली आत्मा इतना लोन देती है जो उस लोन में उसकी राजाई डूब जाती है। नारायण का राज्य खलास और राम का राज्य शुरू। अब जो चाहे सो लो, साहूकार बनना चाहो साहूकार बनो, राजकुल में आना हो राजकुल में आ जाओ, राजकुल में भी नंबर मारे हैं। कोई तो 21 जन्मों में सिर्फ लास्ट जन्म में एक बार प्रिंस या प्रिंसेस बन के रह जाएगी,
राजा फिर भी नहीं बनेंगे और बाकी के जन्म में दास दासी बनते रहेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। ऐसे भी कर्म करने वाले कोई होंगे या नहीं होंगे? उनके लिए बाबा ने कहा कि ऐसे दास दासी बनने से तो अच्छा प्रजाकुल में जाए और साहूकार बन करके रहे। साहूकारों के भी कोई कोई के इतने ठाट बाट होते हैं, बड़े महलमारियां होते हैं, इतनी दास दासियां होते हैं जितनी कोई राजा के यहां भी छोटे मोटे के यहां नहीं होंगी। शूटिंग इस समय कैसे हो? अब सरेंडर हो गए और जो बाप ने कहा वो इनकार कर दिया तो क्या बनेंगे? बाबा छोटी कन्याएं जो है वो माँ बाप से पहले कभी दूर नहीं रही और उनको सरेंडर कितनी उम्र में करवाना चाहिए? कोई कहने जाता है कि कराओ? नहीं फिर भी कन्या भी दस करवाने के बात ही खत्म। करवाना माने भीख मांगना, हमें कन्या दे दो। अरे कन्या की मांगनी मुसलमानों में होती है या भारतीय धर्म में होती है? मुसलमान धर्म की शूटिंग करनी है क्या? जिसे अपना भाग्य बनाना हो वो अपने तरीके से अपना कार्य करे। बाबा ने तो बोल दिया एक कन्या सौ ब्राह्मणों से उत्तम है। सौ भाई सरेंडर होकर के कार्य करें अपने को सरेंडर समझ करके और एक कन्या अर्पण होकर के कार्य करें तो एक कन्या की प्योरिटी सौ ब्राह्मणों के बराबर है। वेदांत सूत्रीकरण बाकी सरेंडर कराने की तो बात ही नहीं। छोटी कन्या सरेंडर होने की उम्र कितनी होगी? 9 साल बता तो दी। भक्ति मार्ग में भी सन्यासी लोग कन्याओं को नवदुर्गा पूजन में पूजन के लिए बुलाते हैं, भोजन आदि खिलाते हैं तो 9 साल की कन्या को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी बुद्धि दूषित होती जाती है। जो आत्मा नारायण है वो राम वाली आत्मा से तो गैंधर्व जी को कर्जा लिया तो देवता जी में मतलब वो तो सीता छोटी माँ तो राम बनेगी ना है? सीता जी में छोटी माँ तो राम बनेगी ना तो गैंधर्व का लोन जो आत्मा नारायण ने लिया तो राम वाली आत्मा से लिया तो लिया तो क्या हुआ? राम वाली आत्मा ने पवित्र दुनिया की स्थापना तो नहीं कर पाई? कर पाई? अभी कर पाई नहीं कर पाई तो किससे सहयोग लिया? साझीदार किसको बनाया? अर्धांगिनी किसको बनाया? लक्ष्मी को अर्धांगिनी बनाया तो आधा हिस्सा देना नहीं पड़ेगा? उधर तो उनको पूरा राजा ही देना पड़ेगा ना अठवन को। अरे जब आधा हिस्सा दे दिया तो एक जन्म में स्त्री बनोगे एक जन्म में पुरुष बनोगे। अरे संगम युग में तुम नारायण बन गए तो जब आगे का जन्म आएगा ऊंचा सा ऊंचा तो उसमें उसको हिस्सा नहीं दोगे? तो जिससे ले उसको देंगे ना है? जिससे हम कर्जा लिया तो उनको ही देंगे ना। लक्ष्मी से कर्जा नहीं लिया? लक्ष्मी से प्योरिटी का कर्जा लिया या नहीं लिया? फिर अरे हमें क्या दिखा दो पड़ता है? तो आराम से बैठे हुए हैं।
जल्दी जल्दी आते नहीं, जल्दी जल्दी ऐसा माहौल बनाओ ब्राह्मणों के परिवार का जो बाबा एक जगह बैठ जाए, रोज मिलते रहो। तो बाबा के साथ 2.5 साल भी एक किया संघ किया, माया के साथ भी आधा कल भी संघ किया, तो माया छूटती क्यों नहीं है? माया छूटो पंगे लेने की बात करते हो, एक बात पूरी करो पहले। बोला है कि आर्थिक स्थिति में रहेंगे तो अपने जन्मों को जान सकते हैं। आर्थिक स्थिति में रह के फिर वो तो बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं उसमें, तो बिल्कुल, तो उसमें तो संकल्प बुद्धि में चलाना है या बाबा को याद करना है, कैसे जानेंगे? बाबा चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य। चैतन्य को याद करने से बुद्धि जड़ बनेगी कि चैतन्य बनेगी? आर्थिक स्थिति में आत्मा चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य को याद करेंगे तो चित्त ही बनेंगे, चैतन्य ही बनेंगे। वो सन्यासी जो बैठते हैं कुंभक लगा करके, 3-3 दिन बैठे रहते हैं, ना सांस लेते हैं, ना पानी पीते हैं, ना खाना खाते हैं, वो निल में चले जाते हैं, उन्हें आत्मा का परिचय नहीं है, उनका पुरुषार्थ बेकार है। हम तो बीज रूप स्टेज में जाते हैं, वो आत्म की स्थिति अगर 24 घंटे बनी रहे तो 24 घंटे लगातार उसको अपने 84 जन्मों का साक्षात्कार ही होता रहेगा बुद्धि से, इतनी महीन बुद्धि बन जाएगी। बाबा स्वर्ग में तो सुख होता है ना, और आत्मा जब स्वास्थ्य स्थिति में चली जाते हैं, मतलब जो स्वर्ग में जाएगा वो पहले स्वास्थ्य स्थिति में जाएगा, वही स्वर्ग में जाएगा ना। स्वास्थ्य स्थिति मतलब सुख तो इंद्रियों से भोगा जाता है, जब स्वास्थ्य स्थिति में चले जाएंगे तो इंद्रियों के बाहर रहेगा नहीं, तो सुख और दुख का फीलिंग कैसे आएगी? अरे आत्मा स्वयं सुख स्वरूप नहीं है, इंद्रियां होने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। अतीन्द्रिय सुख किसे कहा जाता है? अतीन्द्रिय सुख में इंद्रियों की जरूरत है? वो तो संगम पे होगी ना, लेकिन तो संगम पर ही लेना है उच्च से ऊंचा सुख। सत्युग का सुख इतना ऊंचा नहीं होगा, सत्युग में भविष्य के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा, संगम में तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों के बारे में पूरा ज्ञान होता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, 4 युगों में इतनी प्राप्ति नहीं होती है जितनी इस 1 युग में प्राप्ति होती है। बाबा भक्ति मार्ग में कृष्ण के 8 पत्नी अधिकारी है, तो बेहद में कौन कौन? 8 धर्म है तो 8 ही खास विशेष राजा ही हैं। राजाएं जब युद्ध जीतते थे तो जो विदेशी राजाएं होते हैं वो आक्रमण करते हैं, तो जिन राजाओं के ऊपर आक्रमण करके युद्ध जीतते हैं उनकी घरवालियों को अपने कब्जे में कर लेते थे या नहीं? है? कर लेते थे। उनका है हिंसक युद्ध है और बाप का है अहिंसक युद्ध। इस अहिंसक युद्ध में भी यही हाल होता है, जो पावरफुल राजा है वो प्योरिटी सच्चाई ज्ञान की तीव्रता के आधार पर
अपने कंट्रोल में ले लेता है। अकेला राजा नहीं होता कभी, राजा रानी के साथ होता है या अकेला होता है? रानी के साथ होता है। जैसे घर गृहिणी के साथ होता है या बिना गृहिणी के घर हो जाता है? गृहिणी ही घर कही जाती। ऐसे ही रानी ही राजा ही है। रानी को नहीं जीता लेकिन सारी राज्य को जीत लिया। रानी जैसे राजधानी है, राजा की धारण शक्ति है। हाँ, सिर्फ हिंसक और अहिंसक का फर्क है। वो विदेशी राजा है हिंसा से जीत पाते थे और यहां बाप भी विदेशी बनकर के आया हुआ है लेकिन हिंसा से जीत पाता है, दिलों के ऊपर जीत पाता है या स्थूल रूप में जीत पाता है? दिलों के ऊपर जीत पाता है। तो आठ धर्म की आठ पटरानियां हैं। जो पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर के पट्ट में गिरती है। नौवीं महारानी है जो पुरुषार्थ करते करते अंत में गिरती नहीं है, ऊंची स्टेज पकड़ लेती है। इसलिए महारानी राधा गाई हुई है। तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब पार्वतियां हो, ये तो बोला, कभी ये नहीं बोला तुम सब राधाएं हो। क्यों नहीं बोला? कोई कारण होगा? क्या कारण है? संपन्न स्टेज को प्राप्त कर लेती है। नहीं, राम आने राम, धाम आने धारण करने वाली। मैंने राम को अपने जीवन में संपूर्ण रूप से धारण करने वाली, संकल्प मात्र भी नहीं आता कि छोड़ छाड़ करके हम अपना रास्ता पकड़ेंगे। स्वप्न में भी नहीं आता। जिसको दिखाया गया है कि राम ने जिस धनुष को तोड़ा था, उस शिव धनुष को सीता ने अपने बाएं हाथ में उठा लिया। वो धनुष कोई दूसरी चीज नहीं होती है। इस शरीर से जो पुरुषार्थ का लचीलापन है वो ही धनुष है। सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बोला, उनमें रामकृष्ण की आत्माएं भी आ जाती है। फिर भी उनको धारण करके रखना, उनके प्रति श्रद्धा विश्वास बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात होगी। ऐसी पवित्र बुद्धि वाली ही महारानियां बनती हैं, जो और रानियों की अपनी बहन की तरह पालना करती है, कोई ईर्ष्या देश नहीं। तो विकारी बुद्धि हो तो ढेर की ढेर ईर्ष्या द्वेष और सौतिया डाह पैदा हो जाता है। चलो।
भूख लगी आई।